उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने जो काम करे वो कार्य पे चलते रहे, जो अपने उन्होंने सही रास्ता अपनाया है। जैसे केजरीवाल ने काम किया वैसे नीतीश जी भी करेंगे हमारे लोगों के लिए। मुख्यमंत्री तो हमारे केजरीवाल जी रहेंगे, ये नीतीश जी तो एक मजबूरी है। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जाएंगे जनता से और कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे, किस तरह का माहौल इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे अरविंद जी के बारे में? अरविंद जी ने जो हमारी दिल्ली के लिए, जनता के लिए, दिल्ली के जनता के लिए जो इतने काम करे, मैं उनके समर्थन में यहाँ पर आया हूँ, केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने जो काम करे वो कार्य पे चलते रहे, जो अपने उन्होंने सही रास्ता अपनाया उसी कार्य पे चलते रहे, और हमारी दिल्ली के लिए जैसे वो काम करते आ रहे हैं करते रहे वो काम करते रहे। केजरीवाल जी अच्छे हैं, उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे। केजरीवाल जी की सरकार में भी नई मुख्यमंत्री के तौर पर आपको आतिश जी मिली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे केजरीवाल ने काम किया वैसे नीतीश जी भी करेंगे हमारे लोगों के लिए। आपके लिए मैडम कैसा लगा? अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करना? हाँ बिल्कुल। नई मुख्यमंत्री दिल्ली को आतिश जी के रूप में मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई है आशीष जी के लिए। उसके बाद केजरीवाल फिर दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री, तो हमारे केजरीवाल जी रहेंगे, ये आतिश जी तो एक मजबूरी है कि हमने बनाया, इन्होंने बनाया है, और अच्छी बात है, हम उनका भी स्वागत करते हैं अरविंद जी के साथ साथ। और चार महीने की बात है, चार महीने के बाद में अरविंद जी फिर से एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे और सारी जनता उनके साथ है, और आज जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये उनका सहयोग करने वाले लोग हैं, आज तो ये कम है, आने वाले टाइम में दिखाएंगे कि अरविंद जी के साथ कितनी पब्लिक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी जीत सकती है? बिल्कुल जीतेगी, 70 की 70 सीटें आएगी हमारे पास। आज का जो जनता को संदेश देना है कि उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली का शेर हूँ, दिल्ली की लाडला हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, और आने वाले चुनाव में चार महीने बाद दिल्ली की 70 के 70 विधानसभा जीत के फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, और लोगों की जो सेवा कर रहे हैं हम, मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं वो सुविधाएं हम जारी रखेंगे, बंद नहीं होने देंगे। दिल्ली का लाल हूँ, दिल्ली के माता बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी का ध्यान रखूंगा और जीत के आऊंगा। आम आदमी पार्टी से शामिल होने के लिए आए कार्यकर्ता के रूप में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या जो नई मुख्यमंत्री आतिश जी आपको मिली है सही हुआ और गलत हुआ? गलत हुआ। केजरीवाल जी अच्छे थे मुख्यमंत्री? हाँ जी, केजरीवाल अच्छे थे। आज से अभी क्या देगा, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनी है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। केजरीवाल की जगह अगर उनको भेजा गया है तो कुछ सोच के भेजा गया है, और वो अच्छा है कि वो भी अच्छा काम करेगी, लेकिन केजरीवाल जैसा नेता कोई हो नहीं सकता। उन्होंने स्कूलों का इतना विकास किया, हर चीज का इतना विकास किया कि हम लोग मतलब स्कूलों की जो हालत आज हम देखते हैं ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है, अस्पतालों की जो हालत देखते हैं वो हमें आज बहुत अच्छी लगती है, मतलब बसों के अंदर कितना सुधार है, मार्शल बैठे हुए हैं जिसमें बस में लेडीज को कोई खतरा नहीं है। अभी दिल्ली का दिल्ली बड़े नसीब वाले, दिल्ली वाले बड़े नसीब वाले हैं, पहले काबिल शिक्षित मुख्यमंत्री मिला और एक काबिल शिक्षित शिक्षा मंत्री मिली, जो इस समय देश की सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री है, जो अपने सलाहकार रहते हुए अपने जो चलाता रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करा। देखिए हमारे देश में कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के कारण विश्वविख्यात है आम आदमी पार्टी, कारण क्योंकि हमारे केजरीवाल ईमानदार है। देखिए केजरीवाल एक सोच है कि सरकार एक सिस्टम को कहते हैं, जो सिस्टम राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार संवैधानिक दायरे में काम करता है, सिस्टम मोदी जी का, लेकिन केजरीवाल ने उसका सही इस्तेमाल करा। आपने देखा किस तरह से जनता और कार्यकर्ताओं के मन में इसमें आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह की भावनाएं सामने आई, बताया जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो जीत है पक्की होती हुई नजर आ रही है, साथ ही में इस समय जो कार्यकर्ता के अंदर जोश नजर आ रहे हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे हमें नजर आएंगे वो देखना पड़ेगा। आप देखिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज ऑपोजिशन के रूप में इस समय बीजेपी और कांग्रेस है, आखिर उनकी तरफ से किस तरह के बड़े मुद्दे सामने आएंगे जिनको लेकर वो आम आदमी पार्टी पर जरूर बताइए।